वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप देख रहे हैं देश का नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 8 इन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। राम मंदिर में आज दर्शन का दूसरा दिन है। कल भी राम मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंची थी। कल भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दिन 5 लाख लोगों ने दर्शन किए थे। राम भक्तों के सैलाब को देखते हुए दर्शन का समय बढ़ाया गया। कल रात 10 बजे तक राम मंदिर में भक्तों ने दर्शन किए। भक्तों की भीड़ को देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा और ज्यादा तेज कर दी गई। तो रामलला के दर्शन के लिए जुटे राम भक्त आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। रामलला को देखने पहुंचे रिकॉर्ड तोड़ भक्त। दर्शन का दूसरा दिन है आज और कल भी राम मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंची थी। कल भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दिन 5 लाख लोगों ने दर्शन किए थे। राम भक्तों के सैलाब को देखते हुए दर्शन का समय बढ़ाया गया था। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दिन भगवान रामलला को भव्य भोग लगाया गया और दोपहर में राजभोग अर्पित किया गया। रामलला के पुजारी सत्येंद्र दास ने न्यूज 8 इंडिया को और क्या क्या बताया है, आइए सुनते हैं। आज चूंकि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद पहला दिन था, आज भगवान की सबसे पहले आरती कौन सी हुई? देखिए, सबसे प्रथम मंगला आरती हुई। मंगला आरती के बाद फिर जो पहले वाली मूर्ति हैं छोटी हैं उनके पूजा अर्चना किया गया और जो बड़ी मूर्ति हैं प्राण प्रतिष्ठित उनके किया गया। पूजा अर्चना होने के बाद सबको वस्त्र धारण कराया गया। उसके बाद जितने भी सोना चांदी के सामान बड़े वाले के लिए आए हों सब धारण कराया गया, मुकुट धारण कराया गया और उसके बाद छोटी मूर्ति जो है उनको उसी प्रकार से वस्त्र धारण कराया गया। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद में तब उनके भोग लगाया गया और भोग लगने में इसमें जो है रबड़ी का भोग और पेड़ा का भोग, बाल भोग और राजभोग दो प्रकार का होता है। तो रबड़ी का और पेड़ा का भोग लगा के आरती किया गया। ये हुआ श्रृंगार आरती। और फिर दोपहर में दर्शन खुल गया और दर्शन करने लगे लोग। फिर उसके बाद में दोपहर में यह दाल चावल रोटी खीर पूरी सब्जी यह सब का भोग लगाने के बाद में फिर वहां आरती किया गया। अयोध्या में राम भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए खुद योगी आदित्यनाथ एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने राम भक्तों को कोई दिक्कत ना हो इसे लेकर कई सख्त निर्देश दिए। उन्होंने भीड़ को व्यवस्थित करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर में दर्शन व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। सीएम योगी ने सुरक्षा व्यवस्था का हवाई सर्वे भी किया। तो रामलला के दर्शन व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत रत्न से जुड़ी हुई, केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान कर दिया और इस संबंध में राष्ट्रपति भवन की ओर से एक बयान जारी करके ये जानकारी दी गई। कर्पूरी ठाकुर की आज 100वीं जयंती है और इससे पहले और मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का ऐलान किया गया। पिछड़ों के बड़े नेता और बिहार के 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके कर्पूरी ठाकुर को केंद्र सरकार ने उनकी 100वीं जयंती पर पूर्व संध्या पर भारत रत्न देने का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके इस पर खुशी जताई है। आपको बताएं, जननायक के तौर पर जाने जाते थे, ये बड़ी अपडेट भारत रत्न से जुड़ी हुई। केंद्र सरकार ने तय किया है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाएगा और इस संबंध में राष्ट्रपति भवन की ओर से बयान भी जारी करके जानकारी दी गई है। कर्पूरी ठाकुर की आज 100वीं जयंती है और इससे पहले उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का ऐलान किया गया।